फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का तो नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। बहुत से बड़े बड़े लोग, प्रोफेशनल लोग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर को चलाना हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही हार्ड है, मुश्किल है, इसे ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग चलाते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है। क्या आपको भी लगता है कि फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत ही मुश्किल है, ये आपके बस की बात नहीं है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो अगर आपको वाकई में सीखना है फाइनल कट प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से एडिटिंग करते हैं, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मैं आपको यहां पर फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चलाना आसानी से सिखा दूंगा, उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाकई में फाइनल कट प्रो चलाना सीख गए हैं। जी हाँ, बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो सारे चीज़ जो आपको एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए फाइनल कट प्रो में चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप आसानी से किसी भी तरह के वीडियो को आसानी से एडिट कर सकते हो फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर आपको ये सब जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद सारू और टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। देखो यार, यहाँ पर अगर आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है और आपको एक वीडियो एडिटर बनना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझना होगा। इंटरफेस यानी कि वो सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो किस तरह से दिखाई देता है, राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नीचे की साइड क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर में ये सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कौन सा है और कौन सी साइट किस काम आता है। तो जैसे ही आप फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा फिलहाल इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे दीजिए, मैं यहाँ पे सिंपल सा फाइल 1 दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी वीडियो एडिटिंग का फॉर्मेट देना है या फिर उसे साइज देना है, देखो यहाँ से आप 4K दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे साइज चेंज करना चाहते हो, एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको यूट्यूब वीडियो के लिए बनाना था, आप यहाँ पे 720p कर सकते हैं या फिर 1080i HD कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बाकी सब आपको सेम एज इट इज छोड़ देना है और सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली है क्या, ये जो सबसे पहला आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपका जो स्क्रीन है जिसे हम VR कहते हैं, जहाँ पर आप जो भी एडिट करोगे, जो भी वीडियोस देखोगे, प्ले करोगे, वो सब कुछ यहाँ पर प्ले होगा। और नेक्स्ट इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप जितने भी फाइल को इम्पोर्ट करोगे, जो भी आप फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर डालोगे जिसे एडिट करने के लिए, वो आपको सब यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें तो यहाँ पर आपको ये कुछ फाइल्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट की डेट होगी, इवेंट हो गया, और ये म्यूजिक हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, तो जो कुछ भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको इंपोर्ट का, मतलब आपको जो भी फोटोज वीडियोस को ऐड करना है वीडियो में या फिर एडिट करना है, उसे आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, डेस्कटॉप से या फिर किसी भी फोल्डर से, वहाँ से आप उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये टाइमलाइन दिखाई देगा, मतलब जिस भी वीडियो को आपको एडिट करना है वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाने के लिए आप सिंपल से यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद जहाँ पर भी आपका वीडियो है, जैसे डेस्कटॉप पर वीडियो है, तो वहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लोगे और सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको जिस फाइल को एडिट करना है, जिस भी वीडियो पार्ट को एडिट करना है, उसे यहाँ पर इस पे क्लिक करके रखिए और इसे सीधा नीचे खींच के लिए आइए, यहाँ पर ये आ जाएगा टाइमलाइन पे। तो ये आपका हो गया सबसे पहला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और जो कुछ भी यहाँ पे एडिट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे डालोगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इफेक्ट हो गया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो था फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस की कुछ बेसिक जानकारी, जिससे आप जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है और कौन सी साइट किस काम आता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आखिर में वीडियो को कैसे एडिट करें, तो यहाँ पर आपको पार्ट बाय पार्ट समझना होगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो का पार्ट लेंगे और उसे एडिट करेंगे, उसे कट करना सीखेंगे, कैसे उस टाइमलाइन के पार्ट को कैसे हम जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं और कैसे उनमें कलर चेंजेस कर सकते हैं। आइए सीखते हैं ये सब फाइनल कट प्रो में।
तो ये रहा फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, और यहाँ पर हमने पहले से ही वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है, और आपको इंपोर्ट करना आता है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, और जिस भी फाइल को आपको एडिट करना है उसे आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं और उसके बाद एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अब आपको क्या करना है, कोई पार्ट आपको कट करना है, मतलब कुछ गलत हो गया है वीडियो में और किसी पार्ट को आप हटाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसके लिए एक शॉर्टकट है, कमांड बी। जी हाँ, जैसे आप कमांड बी प्रेस करेंगे, देखिए ये मैंने वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लिया और कमांड बी प्रेस करेंगे, तो यहाँ से जो वीडियो है वो अलग हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर आप जूम, आप बीच से कोई ऐसा पार्ट कट करना चाहते हैं जो आपके काम की नहीं है, जो आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वीडियो के टाइमलाइन को जूम करना होगा। तो जूम करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट है, कमांड और प्लस का बटन दबाइए तो ये जूम हो जाएगा। अगर आपको वापस आना तो यहाँ पर कमांड और माइनस बटन दबा दीजिए, ये जूम आउट हो जाएगा। तो देखिए जूम इन के लिए कमांड प्लस और जूम आउट के लिए ये, ठीक है, कमांड माइनस। तो इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हम मान लीजिए हमें इस पार्ट को कट करना है, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हमें कट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा कमांड प्लस टाइप करोगे और उसके बाद यहां पर ये फाइल ले आओगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके लिए एक शॉर्टकट है, कमांड बी। तो जैसे आप कमांड बी करोगे तो ये यहां से कट हो जाएगा, या फिर अगर आपको शॉर्टकट नहीं मालूम तो आप सिंपल सा यहां पर जाके यहां से देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा ब्लेड, तो यहां से आप सिंपल सा ब्लेड दबा के भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे कट कर देंगे तो देखिए ये जो पार्ट है वो कट हो गया, या जिस भी पार्ट में आप कट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कट लगा सकते हैं। देखिए ये इतने पार्ट में मैंने कट लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है वो कट हो चुका है। तो इस तरह से आप पार्ट को कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल है कि आप शॉर्टकट की याद रखिए, कमांड और बी, जैसे देखिए कमांड बी दबा देता है ये पार्ट जो है वो कट हो गया, उसके बाद इस पार्ट को आप हटाना चाहते हो तो सिंपली डिलीट की दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना आसान है किसी भी वीडियो में से किसी भी पार्ट को हटाने के लिए, एडिट करने के लिए, कट करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा शॉर्टकट है कमांड बी, या फिर आसानी से आप ब्लेड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हमेशा शॉर्टकट की याद रखिए, जो आपके समय को भी बचाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसका कलर करेक्शन कैसे करें, जैसे आपको उसमें सैचुरेशन चेंज करना है, कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है, या फिर कुछ भी कलर ऐड करना है उस फाइल में, उस वीडियो में, तो यहाँ पर ये सब भी आप बहुत आसानी से फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो के पार्ट में कलर करेक्शन करना है, कलर ऐड करना है, सेचुरेशन कंट्रास्ट को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आपको कलर चेंजेस करने हैं, कलर करेक्शन करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे यहाँ पर इसमें कुछ कलर चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर जाएंगे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पार्ट ये कलर करेक्शन का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है आपके पास, सेचुरेशन का ऑप्शन है, एक्सपोजर कंट्रोल करना आपको, वो सब आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए आपको कलर चेंजेस करने, तो देखिए यहां पर मैं कलर चेंजेस करके दिखाता हूं, ये देखिए। तो यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको अच्छा लगे वीडियो के फाइल में, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर सैचुरेशन, आपको सैचुरेशन ऐड करना है तो आप यहाँ पे सैचुरेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना है, कम करना है देखिए वीडियो का, तो आप ये सब भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कलर का ऑप्शन होगा, कलर करेक्शन का ऑप्शन होगा, वो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आके आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय चांस मान लीजिए अगर आपके टाइमलाइन पे ये शो ना हो तो आप यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है इफेक्ट वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये वाला पार्ट शो नहीं कर रहा इफेक्ट का, तो यहाँ पर आपको जो भी एडिट करना है, कलर करेक्शन लाना है, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से ला सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे टर्न ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो था फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कि किस तरह से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कलर को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे कि फाइनल कट प्रो में, कि किसी भी फोटो को, किसी भी वीडियो को अगर आपको क्रॉप करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको किसी भी वीडियो में, मान लीजिए आपने कोई वीडियो को एडिट करा और उस वीडियो में आप सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट को ही वीडियो में दिखाना चाहते हो, आप जूम करके बाकी सारे पार्ट को कट करना चाहते हो, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने वीडियो फाइल को, कैसे टाइमलाइन में, कैसे व्यूअर में मूव कर सकते हो, तो यहां पर ये सब चीजें भी आपको आसानी से पता होनी चाहिए, तभी आप फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आसानी से वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी पार्ट को क्रॉप करना है, डिस्टॉर्ट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है, तो बहुत ही आसान है। सिंपल सा आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पर
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा टूल, देखिए यहाँ पर ये रहा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंपल सा आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, सिंपल सा आप ट्रांसफॉर्म से आप इस फाइल को मूव कर सकते हो व्यूअर में, देखिए जहाँ मर्जी, या फिर अगर आपको यहाँ पर इसे ऐसे जूम करना है देखिए इमेज को, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर जूम इन करना है देखिए यहाँ पर। तो ये सब अगर आपको मान लीजिए आप इतना पार्ट दिखाना चाहते हो वीडियो में सिर्फ, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म से देखिए मूव कर सकते हो फाइल को, जो भी यहाँ पर व्यूअर में आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर आपको दोबारा से इसे क्रॉप करना है तो यहाँ पर आप क्रॉप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्रॉप में क्या होगा, देखिए पहले हम इसे ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर, ये मैंने इस फाइल को यहाँ पे लिया, इसके बाद आप इसे क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप करने के लिए करना क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल क्रॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फाइल आ जाएगा, पहले आपको फाइल सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ से आप जिस भी फाइल को काटना चाहते हैं देखिए ये क्रॉप हो जाएगा, देखिए इतना फाइल ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्टॉर्ट ऑप्शन का क्या यूज है, जैसे आप डिस्टॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आप इस इमेज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देखिए ऐसे फैला सकते हैं, ये यूज है डिस्टॉर्ट ऑप्शन का। ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब आपको किसी चीज़ पे किसी फोटो को ऐड करना है, या फिर कुछ भी जूम करना है, या फिर बढ़ाना है उस फाइल को, तो यहाँ पर आप आसानी से ये सब कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो के लिए, जो कि है ऑडियो। जी हाँ, ऑडियो को भी यहाँ पर एडिट करना बहुत ही आसान है, और आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ऑडियो को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं वीडियो से, कैसे उनकी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे उसमें नॉइज़ कम कर सकते हैं, कैसे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर वीडियो से ऑडियो हटा के उसकी जगह पे दूसरा ऑडियो ऐड कर सकते हैं या फिर सिंक कर सकते हैं, ये सब भी आपको वीडियो एडिट करते वक्त आसानी से पता होना चाहिए, और ये बहुत ही आसान है फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करना। तो यहाँ पर फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडियो को एडिट करना बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर क्रॉप का निशान आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ये एरो आ जाए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर किसी भी ऑडियो को ऐड करने के लिए, या फिर कह लो उसे सेपरेट करने के लिए, आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक तो ऑप्शन मिलेगा एक्सपैंड ऑडियो, लेकिन एक्सपैंड ऑडियो करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर सिंपल सा डिटैच ऑडियो कर दीजिए। डिटैच ऑडियो जैसे आप करेंगे तो ये जो ऑडियो है वो इससे सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो इस ऑडियो को यहाँ पर सिंपल सा डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर ये सब करना बहुत ही आसान है। इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, सिंपल यहाँ से ये ऑडियो डिलीट करके इसकी जगह पर कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा फाइल को इंपोर्ट करना होगा, जिस भी म्यूजिक को आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे ले आता हूँ, देखिए ये रहा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ तक म्यूजिक को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा कमांड बी दबा दिया कट करने के लिए, तो देखिए पार्ट कट हो गया, और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ डिलीट की दबा के। उसके बाद यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्यूम का, तो यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम बहुत ही धीमा कर सकते हैं, जितना आपको लगता है जितना आपको बैकग्राउंड में बजाना है, ठीक है। तो ये मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये सिर्फ म्यूजिक बजेगा, ऑडियो यहाँ से हटा दिया गया है, या फिर सिंपल से यहाँ पर अगर आप ऑडियो में म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप इसे यहाँ पे मूव कर दीजिए, जहाँ पे भी ऑडियो, जैसे यहाँ पर ऑडियो और आप चाहते हो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजे, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, और इसकी वॉल्यूम मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, इतना रख दिया, ठीक है। तो जैसे आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर ये ऑडियो सुनाई देगा, और साथ में यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी सुनाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लीजिए जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसकी आवाज़ को आप बढ़ाना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस फाइल को, और यहाँ पर ऑडियो का यानी माइक स्पीकर का साइन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, तो यहाँ पर सिंपली आप आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो तो वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखिए, और अगर आप घटाना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल सा घटा सकते हैं, तो जितना भी आप वॉल्यूम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको ऑडियो में कुछ इफेक्ट डालना है, नॉइज कैंसिल करना है, नॉइज घटाना है, कम करना है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस वाले ऑप्शन पे, देखिए ये रहा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे आके यहाँ पर ऑडियो का, देखिए जैसे आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए ऑडियो के लिए डिस्टॉर्शन का मिल जाएगा, इको का मिल जाएगा, लेवल्स का मिल जाएगा, बहुत सारे होंगे यहाँ पे, मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे जिस भी तरह के आप वॉइस एडिट करना चाहते हैं, अपने वॉइस को बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं।
तो ये तो था कि किस तरह से आप फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आप ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, कैसे ऑडियो को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है जो आपको एडिटिंग करते वक्त पता होना चाहिए फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वो है कि कैसे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, कैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आइए ये भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको टेक्स्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल और टी। तो जैसे आप कंट्रोल और टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ तक आपको कट करना है, तो सिंपल से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और कमांड बी दबा दीजिए, कट हो जाएगा देखिए। उसके बाद आप इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया मनोज सारू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने का एक दूसरा जरिया भी, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऊपर की साइड आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट है, 3D में है, फीचर है, फॉर्मल है, कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर क्या है, इस टेक्स्ट को मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसे बड़ा करना है, जूम करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, देखिए इसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा इसी ऑप्शन के नीचे, और यहाँ पर आपको एक फेस का ऑप्शन मिलेगा, तो फेस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए कलर का। तो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो सब आसानी से आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने ये भी सीख लिया है कि किस तरह से आप यहाँ पर फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कलर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपको फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पता होना चाहिए, वो है कि कैसे आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे दो फाइल के बीच में यहाँ पर आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, कैसे आप इफेक्ट को कॉपी कर सकते हो और दूसरे फाइल में उसी सेम इफेक्ट को पेस्ट कर सकते हो, कैसे आप फाइल को कॉपी कर सकते हो, कैसे उसे पेस्ट कर सकते हो टाइमलाइन में। तो यहां पर ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा वीडियो एडिटिंग करते वक्त ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहां पर हम कुछ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और आप जब भी वीडियो एडिटिंग करो तो हमेशा इन शॉर्टकट की का ही यूज करो ताकि आपका टाइम बचे। आप जैसे जैसे इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते जाओगे तो आपको आदत हो जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं, लेकिन शुरुआत में आप याद रखने के लिए इसे कहीं पर कॉपी में लिख के रख सकते हैं ताकि जब भी वीडियो एडिट करो तो आप इन्हीं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। तो चलिए ये सीखते हैं कि कैसे आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो और कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इफेक्ट को। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ट्रांजिशन को ऐड करना है, इफेक्ट को ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने इसमें कुछ कलर चेंजेस करे, मान लीजिए ये आपने यहाँ से आप कलर चेंज कर दिया आपने, ठीक है, ये कुछ ऐसा कलर मान लीजिए, ये मैं जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए यहाँ पर ये मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। कुछ सेचुरेशन आपने चेंज कर दिया और यहाँ पर इसके वीडियो के ऑडियो में कुछ चेंजेस कर दिए, देखिए मान लीजिए वॉइस बढ़ा दी इसकी, देखिए यहाँ पर। अब आप क्या करना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट आपने इससे कॉपी करा है, इसमें जो भी आपने इफेक्ट डाला है वो चाहते हो कि यहाँ पर इस वाले फाइल में भी सेम वही इफेक्ट आ जाए, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है। सबसे पहले आपको इसके इफेक्ट को कॉपी करना होगा, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड सी प्रेस करना होगा। तो जैसे आप कमांड सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये जो इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर इस फाइल पे आना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा और इस इफेक्ट को अगर आपको इस पर पेस्ट करना है, जो भी इसका कलर था, जो भी इसका ऑडियो था, उसे सेम आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से एक शॉर्टकट की है कमांड शिफ्ट और वी, हमेशा ध्यान रखे कमांड शिफ्ट और वी। तो जैसे आप कमांड शिफ्ट और वी टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑडियो का वॉल्यूम, जिस जिस इफेक्ट को आप ऐड करना चाहते हो वो इफेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए आप इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, ऑडियो भी सेम उसके जैसा हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का जो कलर है वो लगभग सेम ही हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन दोनों फाइल के बीच में यहाँ पर सिंपल सा ट्रांजिशन ऐड करना है, मतलब ये वीडियो प्ले जैसी खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन शो हो, तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का ये इफेक्ट आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए ये रहा ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ से मैं कोई इमेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमने इमेज पर गए यहाँ से और ये हमने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसे साइड हटा दिया और इसकी जगह पे हम ये लेके आ गए इमेज, इसे हमने यहाँ से हटा दिया, चलो मान लो, चलो डिलीट कर देते हैं इसे, और यहाँ पर इस इमेज को हम लेके आ गए, ट्रांजिशन हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम
ट्रांजिशन को ऐड करते हैं, ये हमने ट्रांजिशन, तो देखिए जैसे आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन आपको दिख जाएगा। देखिए ये ट्रांजिशन है, ये जो ओपन हो रहा है देखिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ये फाइल लिया, चलो ये नहीं, आपने मान लीजिए ये फाइल लिया, ये टेक्स्ट लिया, इसी टेक्स्ट को आप चाहते हो यहाँ पर आगे भी पेस्ट करना, तो सिंपल सा आपको कमांड सी दबाना है कॉपी करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करने के लिए कमांड वी दबा देना, तो ये जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अगर आपको किसी भी तरह का इफेक्ट ऐड करना है किसी भी वीडियो में किसी भी इमेज में, तो यहाँ पर इफेक्ट के लिए आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए ये रहा, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कलर चेंज करना है, देखिए कलराइज भी हो जाएगा, ये मैं इफेक्ट ऐड कर दिया, देखिए ये जो वीडियो है वो कलराइज हो गया, या फिर आपको यहाँ पर कुछ लाइट देना है तो देखिए लाइट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इफेक्ट ऐड करना है वीडियो में, तो वो आप यहाँ से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने ये भी सीख लिया कि कैसे आप फाइल में इफेक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो दो फाइल के बीच में, और किस तरह से आप यहाँ पर कैसे कॉपी कर सकते हो उस इफेक्ट को, और सेम उस इफेक्ट को दूसरे फाइल में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब आपने बहुत आसानी से सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो भी ग्रीन स्क्रीन है उसके बैकग्राउंड में जो ग्रीन है कलर है उसे कैसे रिमूव करें, ताकि उसकी जगह पे हम एक दूसरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो यहां पर अगर आपको किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, ग्रीन स्क्रीन चेंज करना है, तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए ये भी सीख लेते हैं। तो यहां पर अगर आपको किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो यहां पर हम सिंपल सा इंपोर्ट पे क्लिक करके उस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, तो ये रहा फाइल, ठीक है, ये रहा ग्रीन स्क्रीन वाला एक फाइल है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, इसके बैकग्राउंड में जो भी ग्रीन स्क्रीन है उसे रिमूव करो, ठीक है। तो यहां पर रिमूव करने के लिए सिंपल सा आपको यहां पर इफेक्ट पे जाना होगा, इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा किंग का, ठीक है, किंग का, तो यहां पर आपको क्लियर पे सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाना और इसके ऊपर छोड़ देना है। तो जैसे आप लाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्रीन है बैकग्राउंड में वो रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड में किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इस कलर को यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा मैं ये व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये व्हाइट बैकग्राउंड ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो ग्रीन स्क्रीन का दिख रहा है, तो आपको सिंपल सा इसे क्रॉप करना होगा, तो ये हम क्रॉप में गए और यहाँ से हमने ये क्रॉप कर दिया, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इस व्हाइट स्क्रीन को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, ये आपने बढ़ा दिया। तो देखिए आपने कितनी आसानी से ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो गया ये क्लियर इफेक्ट की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको जो क्लियर ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ये हाइड होगा, अगर हाइड होगा तो यहाँ पर आपको सिंपल से इसे शो करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैटर टूल्स पे जाते हैं हम, और यहाँ पर सॉफ्टनेस कम करना चाहते हैं देखिए, या फिर आपको यहाँ पर श्रिंक कम करना है तो देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको ये कुछ चेंजेस करना हो, तो यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन में कुछ भी चेंजेस करना है, बैकग्राउंड में इस वीडियो में कुछ भी एडिट करना है, तो वो आप ग्रीन स्क्रीन की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको एक इफेक्ट को ऐड करना होगा जो कि है क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि है एनिमेशन। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको वीडियो में जूम करना होता है, जूम आउट करना होता है, या फिर मूव करना होता है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर ये सब के लिए भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि आखिर में कैसे आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा यार, इतना कुछ तो सीख लिया, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको एनिमेशन ऐड करना है, जूम इन जूम आउट करना है, या फिर ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो यहाँ पर बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे इसे जूम करना है, तो इसे सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा प्रेस करना है प्लस का साइन, देखिए यहाँ पर ऐड अ न्यू की फ्रेम। तो जैसे आप इसे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सभी की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जूम करना है, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ पर आपको एक स्केल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्ले कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से एक की फ्रेम ऐड करना है, ये मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा इसे जूम करना है, क्या करना है, जूम, तो यहाँ पर आप इस पर जूम करोगे, देखिए ये रहा,
ये आपने जूम कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे नीचे लाने के लिए यहाँ पर सिंपल सा प्लस करके ये नीचे लाओगे तो ये नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हैं वापस आके, तो हमने ये वीडियो को प्ले करा तो देखिए कैसे जूम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप दोबारा से इसे मूव करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये मूव हो जाएगा, ये हमने मूव कर दिया। अब हम दोबारा से वीडियो को प्ले करते हैं, देखिए पहले ये जूम होगा फिर साइड में हो जाएगा, देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है कि एनिमेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और उसके एनिमेशन का जो भी टाइमिंग है उसे फास्ट करना चाहते हैं तो पहले आप फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल वी दबाइए। जैसे आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका एनिमेशन, यहाँ यहाँ एनिमेशन है। तो यहाँ पर आप इसे फास्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसे पास ले आइए, देखिए। अब उसके बाद मैं प्ले करता हूँ, ये मैंने यहाँ से प्ले कर दिया, देखिए जैसे प्ले करेंगे ये जूम होगा उसके बाद ये फास्ट होगा एकदम, देखिए। तो इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह के ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, या फिर कह लो जूम आउट कर सकते हो। तो आपने देखा कि एनिमेशन को ऐड करना भी कितना आसान है। तो अब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ चुकी हैं फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टेक्स्ट को ऐड करना हो, वीडियो को एडिट करना हो, कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, इफेक्ट ऐड करना हो, ट्रांजिशन ऐड करना हो, ऑलमोस्ट सब कुछ जो एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको चाहिए फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में स्किल्स, वो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट मिल चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आता है कि आखिर में इस फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करें, जो भी हमने वीडियो एडिट करा है उसका फाइनल वीडियो हम कैसे निकाले, फाइनल रिजल्ट कैसे निकाले। आइए वीडियो को एक्सपोर्ट करना भी सीख लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि आपका जो वीडियो है वो फाइनली पूरी तरह से एडिट हो चुका है, अब आपको इसे सिंपली एक्सपोर्ट करना है, वीडियो बनाना है, MP4 फाइल बनाना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, देखिए ये रहा एक्सपोर्ट का सिंबल, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप जिस भी हिसाब से फेसबुक के लिए, वीडियो के लिए, यहाँ पर आप ऑनलाइन डायरेक्टली वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे सिंपल सा एक रॉ फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा मास्टर फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मास्टर फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी फाइल का नाम है वो आप यहां पे दे सकते हैं, जैसे फाइल 1 वीडियो ये दे दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस फाइल का नाम दे देते हैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर कहीं दूसरे फोल्डर में या फिर दूसरे ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपल सा आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना टाइम बचा है, तो सिंपल सा आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंबल दिख रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर शेयरिंग के ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये 10% कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये पूरा 100% हो जाएगा तो आपका जो वीडियो है वो पूरी तरह से कंप्लीट एडिट हो जाएगा और आपके सामने जो फाइल है वो आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लगभग सारी वो बेसिक चीज़ें सीख ली हैं जो आपको वीडियो एडिटिंग सीखते वक्त आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चाहे वो बैकग्राउंड रिमूव करना हो, टेक्स्ट रिमूव करना हो, ट्रांजिशन ऐड करना हो, ऑडियो का ऐड करना हो, या फिर ऑडियो को रिमूव करना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, कैसे वॉल्यूम को बढ़ाना है, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे फाइल को एक्सपोर्ट करना है, ऑलमोस्ट आपको सारी वो चीज़ें आ गई है जो एक फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होती है। और अब आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वो चलाना बहुत ही आसान लगेगा। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए होगी। हमेशा मैंने जितने भी शॉर्टकट्स पता है उन शॉर्टकट को हमेशा याद रखे, कॉपी में लिख ले। शुरुआत में आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो एडिट करते जाओगे तो आपको इन सभी चीजों की आदत लग जाएगी। तो आई होप दोस्तों अब आप फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करना सीख गए होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस यार इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो इसे शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।